क्या है बोलो, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव, क्योंकि जब जब एक्स वाई और वाई जेड मिला, एक्स जेड मिला, खाली एक्स वाई तो मिले उनके लिए वाई जेड मिला ही नहीं, जब वाई जेड नहीं मिले तो एक्स जेड की तलाश करेंगे नहीं, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। देखो ध्यान दो, अगला एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, 1 2 2 1 1 1, ये एग्जांपल लिया मान लो, ठीक है, ये एग्जांपल लिया, समझते हैं बात को, ठीक है। अब असली खेल चालू होगा, अब आएगा मजा खेल का। शोले देखिए, शोले, शोले फिल्म बहुत पुरानी, अमिताभ धर्मेंद्र वाली, गब्बर सिंह जिसमें था, ठीक है, तो गब्बर सिंह कहता अब आएगा मजा खेल का, ठीक है, बड़े फेमस डायलॉग थे उसके, तुम तो खैर देखे ही नहीं होगे पिक्चर, मत देखना, खैर पढ़ना, ध्यान से पढ़ो, पिक्चर विक्चर में समय नहीं खराब करते, ठीक है, मैं तो भजन सुनाता हूँ तुमको, बढ़िया बढ़िया आगे भी सुनाता रहूँगा, देशभक्ति के गीत, जज्बा आएगा थोड़ा सा, देशभक्ति जागेगी, ठीक है, आजकल बड़ी कमी हो गई लोगों में देशभक्ति की। चलिए खैर, मान लीजिए इसको एक्स वाई लिया, ध्यान दो, तो वाई जेड, वाई जेड क्या होगा, वाई जेड ये होगा, तो होगा ना, क्योंकि इसका दूसरा टू है, इसका पहला टू है, तो अगर ये एक्स वाई तो ये वाई जेड, तो एक्स जेड क्या हुआ, वन वन, वन वन, वन वन है, बड़ी खुशी हुई, आगे बढ़े, अभी काम खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़े, अगर ये एक्स वाई है तो वाई जेड क्या होगा, इसका पहला वन होगा, अगर ये एक्स वाई है तो वाई क्या है, वन, तो वाई जेड क्या होगा, इसका पहला वन होगा, क्योंकि इसका दूसरा वाला वन है, क्योंकि वाई की वैल्यू वन है, एक्स वाई, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वन, तो जिसका पहला वन होगा वो वाई जेड होगा, इसका पहला वन है तो ये वाई जेड बना, मतलब अगर इसको वाई एक्स वाई माना तो वाई जेड, देखो ये बन गया, तो अगर ये एक्स वाई है तो ये वाई जेड, तो एक्स जेड क्या हुआ, टू टू, गायब है टू टू, अगर ये एक्स वाई है तो ये वाई जेड है, तो एक्स जेड क्या हो गया, टू टू, जो गायब है, तो बस एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, एक्स जेड नहीं मिला, तो नॉट ट्रांजिटिव, एक के लिए मिला, एक के लिए नहीं मिला, बोलो, इस एक्स वाई के लिए मिला, इस एक्स वाई के लिए वाई जेड मिला, तो एक्स जेड क्या हुआ, टू टू, जो अब्सेंट है, गायब है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलो, नॉट ट्रांजिटिव हो गया बच्चों, क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि एक पेयर ऐसा है जो एक्स वाई है, वाई जेड है, लेकिन एक्स जेड नहीं है, इसलिए क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, जब एक पेयर के लिए नॉट ट्रांजिटिव हो गया तो आगे नहीं देखना, जब ट्रांजिटिव होता जाए तो आगे बढ़ते चलते हैं, सबके लिए चेक करते हैं, जैसे इस पेयर के लिए एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, एक्स जेड नहीं मिला, तो आगे खत्म कहानी, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, जब मिलता जाए तो आगे बढ़ते जाएंगे। लिखो जल्दी से फटाफट, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, ठीक है, बैठाएं जल्दी से, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, पांचवा एग्जांपल देखो, मान लीजिए मेरे पास ये है R5 और ये ऐसा है 1 4, ठीक है, 4 3 1 3 और 2 1 ऐसा है मान लीजिए। चलिए चेक करते हैं फटाफट, देखो ये एक्स वाई है तो वाई जेड ये होगा क्योंकि इसका पहला 4 है, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो वाई जेड वो बनेगा जिसका पहला 4 होगा, तो अगर ये एक्स वाई है तो ये वाई जेड है, तो एक्स जेड क्या हुआ 1 3 1 3 है, खुश नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे, अभी ट्रांजिटिव नहीं हुआ, आगे बढ़ो, अगर ये एक्स वाई है तो इसका वाई क्या है 3, अब किस किस का पहला 3 है, किसी का नहीं, तो अकेला एक्स वाई बन के रह गया, अकेला एक्स वाई बन के रह गया, ना वाई जेड है ना एक्स जेड की तलाश है, कहानी खत्म। अब अगर ये एक्स वाई है तो वाई जेड क्या है, कोई नहीं, क्योंकि देखो ये वाई की वैल्यू कितनी है 3,
किसी का पहला 3 नहीं, तो ये केवल एक्स वाई है, केवल एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है, तो एक्स जेड की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। अब मान लो ये एक्स वाई है, तो क्या किसी का पहला, ये एक्स वाई है, वाई कितना है 1, तो देखो इसका पहला 1 है, तो ये क्या बनेगा वाई जेड। अगर ये एक्स वाई है, इसका दूसरा वाला देखो कितना है 1, वाई कितना है 1, तो ये क्या बनेगा वाई जेड, है ना। तो अगर ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है, तो एक्स जेड क्या हुआ 2 3, एक्स जेड क्या हुआ बोलो 2 3 2 3 गायब है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया मेरे बच्चों, नॉट ट्रांजिटिव। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ मजा आना बहुत जरूरी है सवालों में, सवालों में मजे लो, इंजॉय करो पढ़ाई में, पढ़ाई टेंशन का काम नहीं है, इंजॉय का काम है। पढ़ाई का मतलब है नहीं कि उसका टेंशन ले लिया, अरे क्या करेंगे, कैसे होगा, बर्बाद हो गए, क्यों पढ़े, आईटी ने खत्म कर दी कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। मजे लो, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, तभी कुछ करोगे जीवन में। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ एग्जाम्पल का सिलसिला लंबा है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। देखो भाई ध्यान दो, मान लीजिए हमने लिया 1 2 और 2 2। देखो अगर ये एक्स वाई है तो ये वाई जेड बन सकता। अब देखो ध्यान दो एक बात फिर यहां पर समझो, जैसे जो सेम एलिमेंट हैं, जैसे दोनों सेम है ना, तो इनको ना तो एक्स वाई मानो ना वाई जेड मानो, है ना। सेम चीजों को एक्स वाई वाई जेड नहीं मानो, अगर मानोगे तो अपना काम बढ़ाओगे और कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दो। जैसे कि मान लो अगर ये एक्स वाई है, मान लो ये एक्स वाई है, तो ये वाई जेड है, ये वाई जेड है, तो एक्स जेड क्या हुआ, देखो ये एक्स, ये वाई, ये वाई जेड, तो एक्स जेड क्या हुआ 1 2। बोलो अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स जेड क्या हुआ 1 2। और एक्स जेड अगर 1 2 हुआ तो 1 2 तो खुद ही है, इसको दोबारा लिख लो, तो मतलब एक्स वाई भी है और वाई जेड भी है और एक्स जेड भी है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब इसको वाई जेड हमने मान लिया। लेकिन अगर आप सेम चीजों को एक्स वाई और वाई जेड मानोगे तो अपना काम बढ़ाओगे, तो काम को ना बढ़ाएं, मतलब जो एक जैसे एलिमेंट है उनको एक्स वाई वाई जेड नहीं माने, हाँ एक्स जेड मान लेना। सेम एलिमेंट्स को ना तो एक्स वाई मानो, जैसे कि तुमको मैंने ये बात सिमेट्रिक में ही बताई थी कि सेम चीजों को एक्स वाई नहीं मानो, क्योंकि उनके उल्टे ढूंढने पड़ेंगे, उनके उल्टे वो खुद ही होते हैं। तो सेम एलिमेंट्स को ना तो एक्स वाई मानो ना वाई जेड मानो, हाँ एक्स जेड मानना। देखो अभी पिछले एग्जांपल में हमने 1 1 को एक्स जेड माना था, है ना, 1 1 को एक्स जेड माना था और 2 2 नहीं था, इसलिए उसको नॉट ट्रांजिटिव हमने कह दिया था। देखो एग्जांपल नोट किया कि नहीं, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ नोट्स बनाओगे, है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ भर मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, पूरे जीवन के लिए तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा, मैथ्स से डर निकल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, मैथ्स में कुछ कर गुजरोगे, जीवन में कुछ कर जाओगे, समझे कि नहीं। तो खैर वापस आ दे, सेम चीजों को ना तो एक्स वाई मानना ना वाई जेड मानना, हाँ एक्स जेड मान सकते हो। तो इसीलिए देखो अगर हम ध्यान से समझें कि ये एक्स वाई है, खाली एक्स वाई, ये वाई जेड है ही नहीं, तो अगर खाली एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं, तो एक्स जेड चाहिए नहीं, काम खत्म। और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ना एक्स वाई है ही नहीं है, और अगर मान लोगे तब भी वही चीज है। तो सेम चीजों को कुछ नहीं मानना, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया बोलो, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि देखो खाली एक्स वाई है, खाली एक्स वाई है, जब खाली एक्स वाई होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, ध्यान देना, क्योंकि ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब एक्स वाई हो, वाई जेड हो और एक्स जेड ना हो, है ना, बात समझो। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब एक्स वाई हो, एक भी पेयर ऐसा मिल जाए, देखो यहीं पे थोड़ा समझना है ध्यान से, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ट्रांजिटिव होने से ज्यादा अच्छा है ये समझो कब नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब एक्स वाई मिले, वाई जेड मिले और एक्स जेड ना मिले, समझे ना, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। एक्स वाई मिले, वाई जेड मिले और एक्स जेड ना मिले,
एक भी पेयर ऐसा हुआ कि एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, एक्स जेड नहीं मिला, तो नॉट ट्रांजिटिव लिखेंगे सीधे। यहां पर ये खाली एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव। खाली एक्स वाई मिला तो ट्रांजिटिव, और ये एक्स वाई ही नहीं है, खाली एक्स एक्स है तो ट्रांजिटिव, इसलिए क्या हो गया बोलो ट्रांजिटिव। देखो अगला एग्जांपल, मान लो मैंने 2 4 ले लिया, अकेला ले लिया, तो ये भी ट्रांजिटिव, क्योंकि देखो खाली एक्स वाई है। अगर खाली एक्स वाई है ना वाई जेड है तो एक्स जेड चाहिए नहीं, ट्रांजिटिव हो गया, काम खत्म। मान लो मैंने ये लिया आठवां एग्जांपल, 3 2 ठीक है और 1 4 मान लो ये लिया। देखो ये क्या है एक्स वाई, वाई जेड है ही नहीं, ये भी क्या है एक्स वाई, वाई जेड है ही नहीं, तो क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। मान लो मैंने ये लिया 1 1 2 2 अब देखो ये एक्स वाई नहीं है, ये तो एक्स एक्स है, ये भी एक्स वाई नहीं है, तो एक्स वाई ही नहीं है। जब एक्स वाई ही नहीं है तो ना वाई जेड चाहिए ना एक्स जेड चाहिए, तब भी ट्रांजिटिव। बात समझे ना, ये सब देखो ट्रांजिटिव। मतलब अगर खाली एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है, तब भी ट्रांजिटिव, और अगर केवल एक्स एक्स है, मतलब एक्स वाई ही नहीं है, जब एक्स वाई नहीं है तो वाई जेड क्यों चाहिए और एक्स जेड क्यों चाहिए, समझे ना। जब एक्स वाई हो, वाई जेड हो, एक्स जेड ना हो, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, देखो इधर ध्यान दे लो, समझ लो, लिखना बंद कर दे, देख लो, टीवी मत देखो साथ साथ, टीवी देख रहे हो ना साथ साथ, जल्दी देखो, ध्यान दो, इधर बातें नहीं करो, अलग रह के पढ़ो घर से थोड़ा सा, जहां परिवार वाले चर्चा कर रहे हैं, किसी की बुराई बुराई चल रही है, मामा चाचा की, वहां ना बैठो, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। खाली एक्स वाई अगर है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव होगा। खाली एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है, एक्स जेड ढूंढेंगे नहीं, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर एक्स वाई नहीं है, खाली एक्स एक्स है, तो ना तो एक्स वाई है और ना वाई जेड है, ना एक्स जेड चाहिए, तो खाली एक्स वाई है तभी ट्रांजिटिव, और खाली एक्स एक्स है तभी ट्रांजिटिव, और एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड तीनों हैं सभी के लिए, तभी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कब कब है, अब सुन लो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, ये बात मिस करी तो गए काम से, ध्यान देना। ट्रांजिटिव कब कब है, खाली एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं, तभी ट्रांजिटिव।